हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और संडे का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने गोभी आलू को काट के रख लिया है, गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अच्छी तरह वॉश करके रख दिया है। और आलू को काट के वॉश करके मैंने पानी में रख दिया है, जिससे काले ना पड़े। अब मैं प्याज को काट रही हूँ, प्याज को छील कर और वॉश करके मैं काट लूँगी। तो गाइज़, जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो देखते रहें। तो मैंने ये प्याज को वॉश कर लिया है और मैं ये चॉपिंग बोर्ड को भी वॉश कर लेती हूँ, ये भी गंदा हो गया था। तो चलिए, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, इसको मैं फाइन चॉप करूंगी। वैसे आप अनियन का पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं, अनियन और उसका पेस्ट आप बनाएं, गार्लिक और टमाटर को भी प्यूरी करके आप डाल सकते हैं। इसको मैं रफ बारीक काट रही हूँ। देखिए, प्याज हमारा कट चुका है और अब मैं पैन, गैस के ऊपर पैन रखूँगी कि गोभी को हमें फ्राई करना है। गैस ऑन कर लेते हैं और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं गोभी को फ्राई करने के लिए। अनियन हमारी कट चुकी है, मैं लहसुन छील लेती हूँ जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। तब तक ये गोभी को मैंने वॉश करके रखा था, इसमें हल्का सा पानी है, तो इसको मैं केयरफुली डाल रही हूँ पैन के अंदर। इसको मुझे फ्राई करना है और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारी गोभी फ्राई हो रही है, मैं लहसुन को छील लेती हूँ। ये देखिए, गोभी को हमने फ्राई किया है, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये मैं लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को काट लेती हूँ। अगर गोभी में हम अदरक डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अदरक का गोभी में, तो अदरक ज़रूर डालना चाहिए गोभी के अंदर। तो ये देखिए, हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है। गोभी फ्राई हो चुकी है, मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। अब इसी पैन में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू में भी पानी है हल्का सा, तो इसको भी केयरफुली डालेंगे हम पैन में, अदरवाइज़ तेल के छींटे पड़ सकते हैं। और अब हम लहसुन हमारा छिल गया है, लहसुन अदरक को हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमने गोभी को फ्राई कर लिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को चॉप करेंगे। इसको भी हमें बारीक काटना है। अदरक को भी बारीक काटना है, फाइन चॉप करना है एकदम। आप चाहें तो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हैं। ये हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं, अब हम आलू को भी निकाल लेंगे प्लेट में। और इसी पैन में हम गोभी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेते हैं
और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच जीरा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसमें अब डालेंगे कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गार्लिक, गार्लिक और जिंजर को अच्छा से ब्राउन करना है। और उसके बाद हम इसमें कटा हुआ चॉप, फाइन चॉप प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को भी हमें ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे कटे हुए, बारीक कटे हुए टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें टमाटो प्यूरी बनाकर आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे इसमें, जिससे कि सारे मसाले एक साथ अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। ये 2 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया है, देखते हैं। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम गोभी ऐड कर देंगे। गोभी आलू को हमने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम। गोभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे ये गोभी और आलू अच्छी तरह से कुक हो जाए। वैसे तो हमने इसे फ्राई किया है तो ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। और ये मैं चॉपिंग बोर्ड और ये प्लेट्स को हटा देती हूँ। अब मैं पूड़ियों के लिए आटा गूँधूँगी। पूड़ियों के लिए आटा हम सख्त गूँधेंगे, टाइट आटा गूँधना है। तो इस आटे में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन। आप चाहें थोड़ा जीरा भी ऐड कर सकते हैं इसमें क्रश करके। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट आटा गूंद लेंगे। इसका टाइट डो बनाना है हमें। इस तरह से अच्छी तरह से इसको गूंदना है। को हल्का सा इस तरह से गूंद कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। ये देखिए हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और हम बनाएंगे पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए मैंने आटे को गूंद के रखा है और पैन मैं इसमें गैस पे रख रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को गर्म करेंगे। और वैसे तो हम कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। और कढ़ाई में अगर आप ज़्यादा पूड़ियाँ बना रहे हैं तो आप बनाएं, अदरवाइज़ आप छोटे पैन में बनाएंगे तो एक एक दो दो पूड़ी करके सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। और जो ऑयल है वो भी आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो ऑयल हम गर्म कर लेते हैं उसमें बाद में खाना बनाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, टेस्ट में चेंज आता है। तो ये हमारा आटा भी गूंद गया है। अब मैं छोटे छोटे पेड़े बनाकर छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख लूँगी, जिससे कि मुझे पूड़ियाँ बनाने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर मैं इसे बेल लूँगी इस तरह से। और पूड़ी का आटा अगर हम थोड़ा सा टाइट रखते हैं, थोड़ा सा सख्त रखते हैं आटा, तो बहुत ही आसानी से पूड़ियाँ अच्छी तरह से बेल जाती हैं। ये देखिए बेलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बेली जा रही हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा तेल लगाते रहेंगे इसमें, इस तरह से बेल कर हम रख लेंगे एक साथ। देखिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, एक एक पूड़ी करके मैं फ्राई करूँगी। और इस तरह से हम पूड़ी को हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फूल जाएगी। ये देखिए तेल भी काफ़ी गर्म है तो पूड़ी एकदम से फूल गई है और अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे निकाल लेते हैं और दूसरी पूड़ी हम इसमें फ्राई करेंगे इस तरह से। ये देखिए अगर आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा तो पूड़ी आपकी फूलेगी। और उसको थोड़ा सा प्रेस करें ऊपर से हल्का सा,
ये हमारी पूड़ी और हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ी सी चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट। तो इस तरह से आप संडे को कुछ आलू गोभी की सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी इस तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा स्पेशल भी हो जाएगा और थोड़ा सा चेंज भी होता है। तो मेरे हस्बैंड को पूरी या पराठे आलू की सब्ज़ी के साथ या गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेशल मेरे लिए होता है तो मैं बना देती हूँ। तो इस तरह से आप गोभी आलू की सब्ज़ी बनाएं और पूरी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो